मैं ऑल इंडिया दारू प्रेमियों की तरफ से मोदी जी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मोदी जी 2 घंटे के लिए वाइन शॉप चालू रखें, क्योंकि 150 का क्वार्टर भी अब 700 में नहीं मिल रहा है मोदी जी। अब उसका भी 1000-1200 रुपये लोग लेने लगे हैं, तो हम जैसे गरीब लोग अब वो दारू ख़रीद नहीं सकते, तो इसलिए हम अब गावटी दारू खरीद रहे हैं। अब वो गावटी दारू जो 20 रुपये में 2 गिलास मिलता था, वो भी अब 200 रुपये में 2 गिलास मिलता है। ये देखिए मोदी जी, ये गावटी दारू है, हाट भट्टी कहते हैं जिसे घर में बनाते। अब हम गरीब लोग के पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। अब हम गरीबों को अगर अंदर से सैनिटाइज़र होना है तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना, अंदर से सैनिटाइज़र करने का अल्कोहल तो लेना पड़ेगा ना, तो इसीलिए 200 रुपये वाला अल्कोहल लेके आए मोदी जी अंदर से सैनिटाइज़र करने के लिए। अगर आपने वाइन सब चालू रखा होता तो हम 52 रुपये में देसी और 150 रुपये में मैकडल पिए होते ना मोदी जी। हाँ, लेकिन मोदी जी आप वाइन सब बंद कर दिए, यहाँ 6 रुपये का तंबाकू 50 रुपये में मिल रहा है मोदी जी। अब क्या करें मोदी जी, हम गरीब लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, लोग यहाँ कोरोना से कम और अल्कोहल की कमी से ज़्यादा मर रहे। हमारी दूसरी मांग ये है कि अब मोदी जी अब हमको शहीद का दर्जा देना चाहिए आप लोगों ने, हमको शहीद का दर्जा देना चाहिए आप लोगों ने। मैं बताता हूँ मोदी जी, महाराष्ट्र सरकार 50% टैक्स लेती है अब दारू के ऊपर, 50% टैक्स लेती है दारू के ऊपर। इस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में हम 1000 करोड़ के हिसाब से टैक्स भरते, तो कल को कोई भेड़ा मर जाए तो उसे नहीं बोलना चाहिए कि भेड़ा मर गया, उसे ऐसा कहना चाहिए कि वो देश की तरक्की में योगदान देते देते शहीद हो गया। मेरे आपसे रिक्वेस्ट, दूसरी रिक्वेस्ट यही है मोदी जी कि अब हमें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे देश के GDP में हम बहुत बड़ा योगदान देते दारू पी के। अगर गलती से मोदी जी कोरोना के चक्कर में हमने दारू पीना छोड़ दिया तो देश कितना साल पीछे चला जाएगा, आप ही समझिए, आप समझ सकते हैं देश कितना साल पीछे चला जाएगा। अरे मोदी जी, मैं कुछ आपसे थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ मोदी जी, आपको तो हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि हमको अंदर से सैनिटाइजर करने की दवा दे दो, जो कि इतने मुश्किल नहीं है। आप 2 घंटे के लिए वाइन शॉप चालू रखेंगे तो हम 52 रुपये में देसी और 150 रुपये में मैकडॉल पियेंगे ना मोदी जी, हमें थोड़ी 1000-1200 रुपये देना पड़ेगी फिर। लेकिन मोदी जी आप चालू ही नहीं कर रहे वाइन शॉप, कम से कम वाइन शॉप 2 घंटे के लिए चालू रखें मोदी जी। लोग सैनिटाइजर पी रहे लीटर के हिसाब से, जब से एक्सपर्ट ने बोला है अपना सैनिटाइजर के अंदर अल्कोहल रहता है, तो लोग लीटर के हिसाब से सैनिटाइजर खरीद रहे पीने के लिए। मैं खुद देखा हूँ लोग सैनिटाइजर पी रहे मजबूरी में, लोग दारू नहीं खरीद पा रहे तो सैनिटाइजर पी रहे। तो आप मोदी जी गरीब लोगों के बारे में सोचो, गरीब लोगों ने आपको जिताया है और आपके जीतने के पीछे बहुत लोगों भेड़ों का भी उतना ही योगदान है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 2 घंटे के लिए वाइन शॉप चालू रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।